बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फिर से महागठबंधन में शामिल होने की अटकलों ने जोर पकड़ लिया है। ये अटकलें तब शुरू हुई जब नीतीश कुमार और लालू तेजस्वी का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। इसी बीच नीतीश कुमार ने ये कहते हुए सभी अटकलों पर विराम लगाने की कोशिश की कि वो अब इधर उधर नहीं जाएंगे। बिहार सीएम के इस बयान पर उपेंद्र कुशवाहा ने सवाल उठाते हुए कहा है कि जब वो एनडीए में है ही तो ये कहने की क्या जरूरत है। दरअसल ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने 3 सितंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद से ही राजनीतिक गलियारे में नीतीश कुमार के फिर से महागठबंधन में जाने की अटकलें तेज हो गई। इसी बीच नीतीश कुमार और लालू तेजस्वी का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा, जिससे इन अटकलों को और हवा मिली। हालांकि पटना में एक कार्यक्रम के दौरान नीतीश कुमार ने इन अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि वो अब इधर उधर नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी से हमारा रिश्ता 1995 से है, पहले वाले क्या करते थे, दो बार इधर उधर हुए, वो गलती हो गई, अब कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार के इस बयान पर भी बयानबाजी तेज हो गई है। सियासी गलियारे में चर्चा है कि नीतीश कुमार जो कहते हैं वो तो बिल्कुल नहीं करते हैं। महागठबंधन में थे तब भी इसी तरह के बयान देते थे और एनडीए में हैं तब भी वो यही बयान दे रहे हैं। इधर नीतीश कुमार के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार एनडीए में है ये बात बिल्कुल ठीक है, राजद के साथ जाकर उन्होंने जो महसूस किया अब दोबारा तिबारा तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उधर जाने की बात नीतीश कुमार करें, ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन उनसे व्यक्तिगत मेरा आग्रह है कि इसको बोलने की क्या जरूरत है, वो है ही एनडीए में और आगे भी रहेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने आगे कहा कि नीतीश कुमार को अपने पुराने अनुभवों से सीख लेनी चाहिए और अब उन्हें इधर उधर नहीं जाना चाहिए। बहरहाल आपका इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।